हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू विनी की दुनिया। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और आज के दिन हम माँ शक्ति के तीसरे स्वरूप की पूजा करते हैं जो कि है देवी चंद्रघंटा। तो आइए जानते हैं कि आज के दिन को शक्ति जी का तीसरा रूप यानी कि चंद्रघंटा जी के रूप में क्यों मनाया जाता है। देवी पार्वती ने हजारों वर्षों का तप किया। उनके तप का सबसे इम्पोर्टेंट मकसद ये था कि वो शिव जी को ये एहसास कराना चाहती थी कि वो इस दुनिया में वापस से जन्म ले चुकी हैं और इस बार वो पार्वती जी के रूप में आई हैं। और इस मकसद में वो कामयाब भी रहीं। उन्होंने इस चीज का एहसास शिव जी को करवा दिया और फिर आया दिन उनके विवाह का। शिव जी और पार्वती जी के विवाह में सभी लोग पहुंचे, सभी देवी देवता राजा महाराजा सब लोग आए उन लोगों की शादी में। पार्वती जी भी बहुत अच्छी लग रही थी अपने दुल्हन के भेष में। उनकी माता जी बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि आज वो अपने दामाद को वेलकम करने वाली थी। वो अपने दामाद को वेलकम करने के लिए द्वार पे पहुंची। जब वो द्वार पे पहुंची तो वो अपने दामाद को देखकर बेहोश हो गई। वही नहीं, वहां मौजूद बहुत सारे मेहमान भी काफी ज्यादा घबरा गए। शिव जी तीनों लोगों के देवता हैं, उन्हें सभी लोग बहुत ज्यादा प्रिय हैं। फिर वो देवी देवता हो, राजा महाराजा हो, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग यानी कि मनुष्य हो, या फिर दैत्य भूत प्रेत पशु पक्षी सब लोग, तो जायज सी बात है कि जब शिवजी का विवाह होगा तो ये लोग भी उनके साथ ही आएंगे। शिवजी के बाराती बनकर आए कौन? ये सभी लोग यानी कि देवी देवता भूत प्रेत पिशाच ओघड़ पशु पक्षी सब लोग। और इन सभी लोगों को देखकर वहां जो मौजूद मेहमान थे वो लोग काफी ज्यादा डर गए। और उस दिन शिवजी ने भी कुछ बहुत खास भेष नहीं बनाया हुआ था। उन्होंने भी बस वही धुनी रमाई हुई थी, राख चारों तरफ। और इस रूप को देखकर पार्वती जी की माँ जो थी वो बेहोश हो गई। पार्वती जी को शिवजी के इस रूप से भी उतना ही प्रेम था जितना कि उनको शिवजी के बाकी रूपों से था। लेकिन क्योंकि उन्हें वहां मौजूद सारे मेहमानों को शांत करना था और उनकी माँ के कहे मुताबिक शिवजी को बहुत अच्छे से तैयार होना था, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए और शिवजी को इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि दूल्हे को किस तरीके से ड्रेसअप होना है, पार्वती जी ने भी अपना एक भव्य रूप धारण किया, जिस रूप में उनके 10 हाथ थे और हर हाथ में एक शस्त्र था और वो शेर की सवारी कर रही थी। शिव जी ने जब पार्वती जी का ये भव्य रूप देखा, उन्होंने भी अपना भव्य रूप धारण किया और इस रूप को कल्याण सुंदर के नाम से जाना गया। बस दोनों जन तैयार हो गए और उसके बाद उनका विवाह हुआ। जिस तरीके से शिव जी अपने बालों को खूबसूरत दिखने के लिए चांद को लगाते हैं, उसी तरीके से माता पार्वती ने भी अपने माथे पर चांद लगाया और उस चांद से उनका चेहरा जो है नीचे से घंटी जैसा लगने लगा, यानी कि बेल के शेप में लगा, जिसकी वजह से उनका नाम पड़ा चंद्र घंटा। तो इस रूप को, जिस रूप में उनकी और शिव जी का विवाह हुआ, उस रूप को चंद्रघंटा रूप कहा जाता है। होप करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी मेरी कहानी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के दिन का जो रंग है वो है भगवा कलर। ये क्योंकि माता पार्वती की शादी का दिन था तो उस दिन लाल पीला नारंगी जो रंग जो सुहाग का कलर होता है वह कलर शुभ माना जाता है। तो अगर इस तरीके से मैंने अपनी नारंगी साड़ी पहनी है, अगर आपके पास भी कुछ इस तरीके के कपड़े हो तो आप भी आज के दिन उसी वस्त्र को धारण करिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, कल मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तो बस नमस्कार।